मांगि सिंधु दन के अब राम सी ये सिर से दूर बसंत क्या लिखा है वर्णन नहीं होता संग स्वरूप में विराजमान देखकर चक्रवर्ती महाराज के नेत्र बंद हो गए, समाधि लग गई। बार बार मन ही मन विश्वामित्र बाबा की और गुरुदेव वशिष्ठ भगवान की प्रशंसा करते हैं। गुरु वशिष्ठ ने अवसर पाकर के जनकराज महाराज को बुलाया और पूछा, राजन आपके भी और कन्या है तो नहीं? महाराज तीन कन्या है, एक हमार दू हमारे भैया की, तो लावा। महाराजों का वही तीन लावा है। जैसे रघुबीर Everybody.
आते कोई कष्ट न होया, जाते नहीं कोई कष्ट न होया। आदमी तो आता जाता रहता है आपके। संस्कृति यद्यपि मात्र संस्कृति है तथा जो समाज है भारतीय वो पुरुष भाव प्रधान समाज। संस्कृति हमारी मातृ संस्कृति है। गौ माता, गंगा माता, गीता माता, भारत माता, वेद माता, गंगा माता, यमुना माता, जिससे हमारा कोई नाता नहीं उसको हम माँ मानते हैं। संस्कृति रचना संरचना मातृभाव का है, परंतु भारतीय समाज पुरुष भाव व्यवहार का समाज है। इस नदी में और माँ बाल को से हमको आगे पीछे कोतवाल और क्या क्या धर्म बना देती है और ये धूम के तो पुरुष बच्चों के पालने का बहाना लेकर पत्नी के जाने पर दूसरा ब्याह करके चला। माताओं से पुरुष की कभी तुलना हो ही नहीं सकती है। बच्चे रो रहे हैं तो क्या करेगा, तू भी रो ले। पुरुष की माताओं से कोई तुलना नहीं था। माताएं हमारे यहाँ सरकार पूज्य हैं, पूज्य हैं। जनकराज महाराज भारत को चक्रवर्ती दी, ऋषि विदा नहीं करना। एक पुत्र विदा करना हो तो करना हो, यहां तो चार साल बेटी समझाया है शतानी महाराज ने। महाराज के साथ चारों करने ही विदा करना। माताएं बार बार बेटियों को पीठ से लगाती हैं, लाड लगाती हैं, झर 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 रहे हैं आपको बेटी के विदा का पर्व ऐसा कारुणिक होता है। माताएं भेजना नहीं चाहती, भेजना तो पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। सो माताओं ने साथ बनाया, चारों दुल्हा लोगों के पीछे चारों धन्यवाद से बाहर
ने संभाला, तब आपको ये अवसर मिला है जाकर रघुकुल के पाक को ही संभालिए। पिता इसी भाव का संदेश उपदेश बेटी को लेकर बोलता है कि हमारी बेटी मर्यादा समा यहाँ तो समझा दी, माँ के प्रिय से दासी दास के सबको विदा किए होती। यही पिताजन जब चित्रकूट के पावन प्रांगण में मिलते हैं माँ प्रेम की पावन जानकी मैया को, तपस्वी के वेश में जनकराज महाराज ने देखा, दौड़कर बेटी को जनकराज महाराज ने हृदय से लगा। जितने लोग वहां विराजमान थे मिथिला के, सबके नेत्र जलराव थे। किस प्रकार श्रृंगार के साथ बेटी को विदा किया था मिथिला पति ने, आज बेटी को किस भाव में मिल रहा है। अक्सर बेचा